the sum of first six terms of an AP is 42. The ratio of 10th term to the 30th term is 1 by 3. Find the first and the 13th term. So, देखिए हमारा SN का एक बेसिक फॉर्मूला होता है. SN is equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D, where A is the first term and D is the common difference. So, मैं 6 term के सम की वैल्यू दी है. So, S6 हमारा हो जाएगा 6 by 2 into 2A plus 6 minus 1 into D, जिसकी वैल्यू हमें दी है 42. एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा इधर पे, और 2A plus 5D की जो वैल्यू हो जाएगी 14 हो जाएगी. ये हमारी एक इक्वेशन 1 हो जाएगी. एंड हाँ, हमें 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो हमको दिया हुआ है 1 by 3. सो 10th टर्म हमारा हो जाएगा a plus 9 into d, एंड 30th टर्म हमारा हो जाएगा a plus 29 into d is equal to 1 by 3, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3a plus 27d is equal to a plus 29d. So 2a is equal to 2d हमारा हो जाएगा. तो a की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी. So a और d की वैल्यू बराबर हो चुकी है, तो जहां पर d है वहां पर हम a कर सकते हैं. तो 2a plus 5a अगर हम इक्वेशन 1 में कर देते हैं तो ये हमारा हो जा रहा है 14. सो 7a की वैल्यू हमारी 14 के इक्वल है. सो a की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है. फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 ही हो जाएगा. सो देखिए हमारा एक आंसर भी आ चुका है. देखिए हमसे फाइंड दी फर्स्ट टर्म हमसे पूछा गया है इसमें, और 13th हमें निकालना है. तो 13th टर्म हमारा हो जाएगा a plus 12 into d. So a हमारा आ चुका है 2 plus 12 into 2. Common difference की भी value 2 ही आई है. So t13 की value हो जाएगी 26 अगर आप solve करेंगे, जो कि हमारे answer है.